Sumanji, are you here? Please, he's from Motilal, Oswal. Please, 1 minute, I'll share. Or be bahut sare investor friends hai. Sumanji, you have been tracking textiles in a very long time. Ab tak aap isme ek manje hue khiladi ho. Ek investor point of view se jo bhi industry ne bataya, to aapko kya lagta hai? Bahut hi traditional hai, purani hai, suljhi hui industry hai. Sanjay ji ne bataya, ab koi technical textile ki baatein hui. To what's your view? इन्वेस्टर जब पैसा लगाते हैं तो सबसे पहले हम लोग रिटर्न देखते हैं, तो जब देखते हैं तो रिटर्न जो कैपिटल हम लगाते हैं उसमें रिटर्न कम मिलता है. तो इन्वेस्टर का सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि इसमें हम क्यों पैसा लगाएं जब हमारा कॉस्ट रिकवर नहीं हुआ. अगर 8 से 10% अगर आपका रिटर्न रेशियो है तो सबसे पहला कंसर्न वही आता है. दूसरा कंसर्न आता है कि अभी भी हम चाइना से जो कम्पीट कर रहे हैं उसमें जो कंपटीशन है चाइना से, उसमें रिसेंटली हमने देखा है कि होम टेक्सटाइल में हम लोगों ने बहुत अच्छा किया, बट इसके इन दो तीन साल में हम लोगों ने देखा कि कंपटीशन बढ़ गया. हम यहाँ कंपटीशन बढ़ गया, ग्लोबली भी कंपटीशन बढ़ गया. सो प्रॉब्लम आ रही है एंड और कंपनीज आर स्ट्रगलिंग. तो ये सब फैक्टर है. कॉटन की अवेलेबिलिटी भी है जहाँ क्वालिटी का कॉटन नहीं मिलती है. देन थोड़ा सा कंसर्न आता है कि ओवरऑल यान में सप्लाई बहुत बढ़ गया, तो उसके कारण जो यान कंपनीज हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं. तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि यान में और कुछ करना चाहिए हम लोगों को. ग्लोबली हम लोग कम्पिटिटिव हों, चाइना से स्केलेबिलिटी हमारी बहुत कम है. जो जिस लेवल पे चाइना प्रोड्यूस कर रही है हम उस लेवल पे प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं. बहुत से कंसर्न हैं तो ये सब देख के. और दूसरा फोर्थ है जिसमें कॉरपोरेट गवर्नेंस का बहुत इशू है. जितने भी 2-3 बड़े बड़े प्लेयर हैं तो इन्वेस्टमेंट में जो कैपिटल लगती है उसमें इन्वेस्टर को लगता है कि पैसा कंपनीज साइड में बनाती है. ये सब कंसर्न है. जो 1000 करोड़ का कैपेक्स है, हो सकता है जो 1000 करोड़ कैपेक्स है वो एक्चुअली बैलेंस शीट में नहीं आता है. तो ये सब कंसर्न है इन्वेस्टर का जो इसको ठीक करना पड़ेगा. थैंक यू सुमन जी.